महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तय्यबा के अंदर थे। आप अलैहिस्सलाम को पता चला कि कुफारे मक्का आसपास के कबाइल के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार कर चुके हैं, मदीना तय्यबा के ऊपर हमला करने का इरादा रखते हैं। अब मदीना की हिफाजत का मुआमला था। आप अलैहिस्सलाम ने सहाबे किराम को जमा किया, जमा करने के बाद मशवरा लिया, मेरे सहाबा क्या करना चाहिए। सहाबे किराम ने मुख्तलिफ आरा पेश की। हजरत सलमान फारसी ने मशवरा दिया, या रसूल अल्लाह, मेरी राय यह है कि मदीना के तीन अतराफ में खंदक हो दी जाए, खंदक गहरी इतनी हो कि कोई बंदा उतर के चढ़ न सके और चौड़ाई इतनी हो घोड़ा छलांग लगा के पार न हो सके। नबी अलैहिस्सलाम को यह राय मशवरा पसंद आया। आप अलैहिस्सलाम ने खंदक खोदने का फैसला दे दिया और खुद भी खंदक की खुदाई में हिस्सा ले रहे थे। हत्ता के कुफारे मक्का पहुंच गए, मुकाबला शुरू हुआ, तीरों की बौछाड़ शुरू हुई। हत्ता कि एक वक्त ऐसा भी आया तीरों की इतनी बारिश हो रही थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज ना पढ़ सके। आप अलैहिस्सलाम की असर की नमाज कज़ा हो गई। आपने आसमान की तरफ देखा, सूरज गुरूब हो चुका था। मेरे पैगंबर के चेहरे अनवर पे जलाल आया, चेहरा अनवर सुरख हो गया। आप अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से बद्दुआ निकल गई, मला अल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम नारा, अल्लाह इन लोगों के घरों को आग से भर दे, अल्लाह इनके पेटों को आग से भर दे, अल्लाह इनकी कब्रों को आग से भर दे। नबी अलैहिस्सलाम ने तीन बद्दुआएं दी हैं, अल्लाह पेटों को आग से भर दे, घरों को आग से भर दे, कब्रों को आग से भर दे। इन लोगों ने हमें नमाज नहीं पढ़ने दी। मैं उम्मती होने के नाते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, या रसूल अल्लाह, ताइफ के मैदान में आपका खून बहाया गया, आपने बद्दुआ नहीं दी। ओहद के मैदान में दंदान शहीद कर दिए गए, आपने बद्दुआ नहीं दी। मक्का की गलियों से गुजरते हैं, गंदगी डाल दी जाती है, आप बद्दुआ नहीं देते। रास्ते में कांटे बिछाए जाते हैं, आप बद्दुआ नहीं देते। लेकिन यहां बद्दुआ क्यों देते हैं? आपने इतनी शदीद बड़ी बद्दुआ दे दी। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जी हां, ताइफ के मैदान में तो मेरा खून बहाया गया, ओहद के मैदान में तो मेरे दंदान शहीद किए गए, लेकिन यहां मेरे रब का हुक्म टूट चुका है। इन लोगों ने मुझे असर की नमाज नहीं पढ़ने दी, और जो मेरी असर की नमाज में खलल डालता है तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिन लोगों की वजह से असर की नमाज कज़ा हुई, आप अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को बद्दुआ दे दी। हम अपनी ज़िंदगी पे गौर करें, हम नमाज़ों का अहतमाम करते हैं और ख़ास कर फजर और असर की नमाज। फजर और असर की नमाज का अहतमाम तो ज़रूर करना चाहिए। फजर की नमाज कज़ा होती है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आसमान पे सूरज तुलू हो जाता है तो शैतान बंदे के कान में आके पेशाब कर देता है। शैतान नज़र नहीं आता, शैतान की हरकत नज़र नहीं आती, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, 100% सदाकत पर मबनी है। इस हरकत का असर ये होता है कि बंदे का दिमाग फिर सही तौर पे काम नहीं करता। फिर कहते हैं दौरे पड़ते हैं तो चक्कर आते हैं, किसी ने कुछ करवा दिया है। ये हकीकत में फजर की नमाज को छोड़ने की नहुसत होती है। और एक हदीस के अंदर आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो फजर की नमाज को कज़ा कर देता है तो शैतान उसके मुंह में पेशाब कर देता है। ये बात अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाई है। इसकी नहुसत और वबाल क्या होता है? फिर बंदे की ज़ुबान से झूठ निकलता है, बंदे की ज़ुबान से गालियाँ निकलती है, बंदा मखलूक खुदा को तकलीफ पहुंचाता है, वो अपने करीबी लोगों के लिए इज़ा पहुंचाने वाला बन जाता है, वो जहमत का जरिया बन जाता है, उसके अंदर रहमत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि इस बंदे ने फजर की नमाज को कज़ा किया। फजर की नमाज कज़ा करने की वजह से ये ज़ुबान जो गोश्त का लोथड़ा होती है, ये मखलूक खुदा के लिए हड्डी बन जाती है। कभी इसको तकलीफ़ पहुँचाई तो कभी उसको तकलीफ़ पहुँचाई, कभी अपनों को तकलीफ़ पहुँचाई। तो असर की नमाज का अहतमाम ज़रूर किया करें।